हाय फ्रेंड, मैं मनोज पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट पर। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे अक्टूबर के दूसरे हफ्ते मतलब कि 7 से लेकर 13 तारीख तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। पहला प्रश्न, किस उच्च न्यायालय कि खंडपीठ ने राज्य के मंदिरों में जानवरों और पक्षियों की बलि देने की परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन आपके चार दिए हुए हैं, त्रिपुरा उच्च न्यायालय दूसरा दिया हुआ है, दिल्ली उच्च न्यायालय तीसरा दिया हुआ है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और चौथा दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो त्रिपुरा उच्च न्यायालय सही हो जाएगा, आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने राज्य के मंदिरों में जानवरों और पक्षियों की बलि देने की परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया है। और आपको इसके बारे में बता दें तो त्रिपुरा में पशु बलि की परंपरा लगभग आज से 500 साल पुरानी है और न्यायालय ने अब ये आदेश दे दिया है कि जानवरों की बलि देने वाली परंपरा के संविधान के अनुच्छेद 25 ए के अंतर्गत संरक्षित नहीं किया जा सकता। दूसरा प्रश्न है, कौन सा भारतीय क्रिकेटर एक टेस्ट की दोनों पारियों में स्टंप आउट होने वाले इतिहास में पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। ऑप्शन चार हैं, पहला रोहित शर्मा, दूसरा केएल राहुल, तीसरा विराट कोहली, चौथा शिखर धवन। तो रोहित शर्मा एक टेस्ट की दोनों पारियों में स्टंप आउट होने वाले इतिहास में पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसके बारे में आपको कुछ बता दें तो रोहित शर्मा से पहले कोई भी भारतीय बल्लेबाज एक ही टेस्ट मैच के दोनों पारियों में आउट नहीं हुआ है। मैच की पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज की गेंद पर क्विंटन डिकॉक ने रोहित शर्मा को स्टंप आउट किया था और दूसरे पारी में भी केशव महाराज ने इनका विकेट लिया था। तीसरा प्रश्न है, किस संस्थान ने म्यूचुअल फंड हाउसों को मुद्रा बाजार और ऋण प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिए वाटरफॉल अप्रोच अपनाने को कहा है। ऑप्शन आपके चार हैं, पहला ऑप्शन है आरबीआई, दूसरा सेबी, तीसरा नाबार्ड, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, सेबी ने म्यूचुअल फंड हाउसों को मुद्रा बाजार और ऋण प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिए वाटरफॉल अप्रोच अपनाने को कहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सेबी सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, विश्व पशु दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन चार दिए हुए हैं, पहला 5 अक्टूबर, दूसरा है 6 अक्टूबर, तीसरा है 7 अक्टूबर और चौथा है 4 अक्टूबर। तो विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इसके बारे में आपको बता दें तो इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर में वो जानवरों की स्थिति में सुधार लाने और उसे बेहतर बनाना है। विश्व पशु दिवस मनाने की शुरुआत स्त्री रोग विशेषज्ञ हेनरिक जिमरन ने की थी। इन्होंने 24 मार्च 1925 में इसकी शुरुआत की थी और 1929 से इसको 24 मार्च की जगह 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। पांचवा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस महापुरुष के जयंती पर एक स्वचालित रियल टाइम परफॉर्मेंस स्मार्ट बोर्ड लॉन्च किया है। ऑप्शन चार है, पहला भगत सिंह, दूसरा चंद्रशेखर आज़ाद, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जयंती पर एक स्वचालित रियल टाइम परफॉर्मेंस स्मार्ट बोर्ड लॉन्च किया गया है। और आपको स्मार्ट बोर्ड के बारे में बता दें तो इस स्मार्ट बोर्ड का मुख्य उद्देश्य जो है सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे डिजिटल इंडिया, आधार और डिजिटल भुगतान के प्रभावी निगरानी रखना है। छठवां प्रश्न है, भारत की सबसे पहली महिला ग्रेजुएट ऑनर्स का क्या नाम है जिनके लिए गूगल ने हाल ही में डूडल समर्पित किया है। ऑप्शन चार दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है कामनी राय, दूसरा है अवंतिका देशबंधु, तीसरा है सपना वर्मा, चौथा है पायल त्रिवेदी। तो भारत की सबसे पहली महिला ग्रेजुएट का नाम कामनी राय है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जिनके लिए गूगल ने हाल ही में डूडल समर्पित किया है। तो डूडल के बारे में आपको बताते हैं तो गूगल के ऊपर जो एक लोगो बन के आता है उसी को हम लोग डूडल कहते हैं और कामनी राय की 150वीं जयंती पर गूगल ने डूडल बनाया है। सातवां प्रश्न है, नासा ने हाल ही में किस नाम से आयन मंडल का अध्ययन करने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। ऑप्शन आपके चार दिए हैं, पहला दिया हुआ है प्रॉप, दूसरा दिया हुआ है आइकन, तीसरा दिया हुआ है मार्क और चौथा दिया हुआ है रॉक। तो नासा ने हाल ही में आइकन नाम से आयन मंडल का अध्ययन करने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी भारतीय अरबपतियों की सूची में दूसरा स्थान किसने हासिल किया है। तो ऑप्शन आपके चार दिए हुए, पहला कुमार बिरला, दूसरा अजीम प्रेमजी, तीसरा हिंदुजा ब्रदर, चौथा गौतम अडानी। तो फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी भारतीय अरबपतियों की सूची में दूसरा स्थान गौतम अडानी ने हासिल किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और पहले स्थान पर आपको पता है ये मुकेश अंबानी जी हैं और इससे पिछले साल
जो दूसरे स्थान पर थे उनका नाम अजीम प्रेम जी था, बट इस साल उन्होंने अपनी संपत्ति दान कर दी, जिसके वजह से वो दूसरे स्थान में नहीं आ पाए।